हाल ही में उनकी 1994 की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना के एनिमेटेड वर्जन का ट्रेलर देखा और उन्हें ये बहुत पसंद आया, इसीलिए अब इस फिल्म के मेकर्स सलमान से वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं। करीना कपूर इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि 13 साल तक इंतजार करने के बाद उन्हें फाइनली संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दरअसल जब संजय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई थी, तब करीना ने उनके साथ काम करने की ख्वाहिश की थी, जो कि अब पूरी हो गई है। करीना संजय की फिल्म रामलीला में रणवीर सिंह के ऑपोजिट पेयर की गयी है। सोनाक्षी सिन्हा और बिपाशा बासु इस साल सिंगापुर में होने वाले अवार्ड सेरेमनी में अपनी सिजलिंग परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस का दिल जीतेंगी और इनके डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ करने वाले हैं प्रभु देवा। अगर खबरों की माने तो एक्स लवर्स रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को उनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी के सेट्स पर काफी क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए देखा गया है और शूटिंग खत्म हो जाने के बाद भी ये दोनों अपना काफी वक्त साथ बिताना पसंद करते हैं। फरहान अख्तर, जिन्होंने इस साल जी सिने अवार्ड्स को होस्ट किया था, अब दोबारा स्टेज पर एंकरिंग करते नजर आएंगे सिंगापुर में होने वाले एक पॉपुलर अवार्ड सेरेमनी में, और फरहान का साथ देंगे शाहिद कपूर।